एक तरफ विस्तारवादी नीति जो है चीन की वो किसी से छिपी नहीं है, और अब चीन की सेना ये कह रही है कि भाई भारतीय सेना हमारी टेरिटरी में घुसी, और ये बात थोड़ी हजम नहीं हो पाती है, और ये विवाद बताया जा रहा है कि देर रात और तड़के सुबह का है, तो क्या ये चीन ने प्लान्ड वे में सब कुछ किया है या फिर अचानक ये सब कुछ हुआ? ये जो चूहा बिल्ली का खेल दो सेनाओं के बीच में हो रहा है, काफी समय से हो रहा है, 2017 से हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए। इसलिए लगना चाहिए कि राजनीति को किस तरह से संवाद स्थापित करने चाहिए, किस तरह से कूटनीति के माध्यम से चीन को एक क्लियर संदेश भेजना चाहिए कि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज विश्व में जिस तरह से हर देश शांति चाहता है, हर देशों के बीच की सीमाओं के विवाद किसी भी तरह से नहीं रहे, आप चाहे यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, केवल ये जो हमारे हिंदुस्तान की सीमाओं में लगातार जो हम एक डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, और उसका हल अगर हम शीघ्र नहीं निकालेंगे तो मजबूत होते हुए भी, मजबूत सेना होते हुए भी हमें, क्योंकि जिस तरह से हम धोखा खाते आए हैं, और ये भी कह सकते हैं हम कि हमारी खिड़कियों में आ गया है चीन, खिड़कियों में, और हम चिंता है उलझे हुए हैं देश के अंदर, हमारी संसद के अंदर भी नूरा कुश्ती और हमारी सीमाओं में भी नूरा कुश्ती, ये तो नहीं होगा ना, देश हित में ये कतई भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आज किस तरह से बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं।